जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक ने शहर में चल रहे राशन के डिपो पर निकेल कसनी आरंभ कर दी है, जिसके चलते जगह जगह डिपो पर छापेमारी की जा रही है। जिस भी डिपो में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे सबक देने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक ने शहर में चल रहे राशन के डिपो पर नकेल कसनी आरंभ कर दी है, जिसके चलते जगह जगह डिपो पर छापेमारी की जा रही है। जिस भी डिपो में अनियमितताएं पाई जाती हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे सबक देने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा कुछ दिन पहले भी डिपो पर औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें आधा दर्जन भर डिपो में विभाग सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुका है। अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर में चल रहे राशन के डिपो में गड़बड़ चल रही है, तो उनकी टीम ने राशन के डिपो का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 6 उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई थी। डिपो के संचालक को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिनका जवाब आ चुका है। अब उन्हें विभाग के सामने हाजिर किया जाएगा। अगर अनियमितताएं साबित होती हैं, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। से कोई कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए हमने सोलन बाजार में चेकिंग की थी, तो 6 उचित मूल्य की दुकानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई थी, अनियमितताएं पाई गई थी, तो उनके खिलाफ जो विभागीय नियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है और उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अब उनके जवाब आ चुके हैं, अब उनको पर्सनल हियरिंग दी जाएगी और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अनाज में हेराफेरी उस स्तर की तो हेराफेरी नहीं है, परंतु फिर भी अगर स्टॉक आगे पीछे पाया जाता है तो डिपो होल्डर से कोई ना कोई गलती हुई होती है और उस गलती के लिए उसको सजा, उसको जुर्माना किए जाने का भी हमारे पास प्रावधान है, तो उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।